गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बालकों, JMD क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आज हम लोग जो रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ेंगे वह हमारा टॉपिक है सीरीज। सीरीज हमारा इतना इम्पोर्टेंस टॉपिक है और इतनी इंटरेस्टफुल है कि इसको हम बहुत ही कम समय में आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बस एक ही चीज़ है कि हमें क्वेश्चन को, पैटर्न को कितना जल्दी हम फाइंड आउट करें। अगर हमने सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया तो आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 3, 10, 20, 33, 49 और 68। अगला हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ 3 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। अगला हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है, तो हमें देखना है कि आखिर इसमें क्या सा पैटर्न हो सकता है। अगर हम इसको डबल करें 3 2 6, 4 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 को डबल करेंगे तो हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा है। हमने फाइंड आउट किया कि अगर इस दो नंबर का हम डिफरेंस को देखते हैं, यानी 3 में अगर हम 7 को प्लस करते हैं तो 7 + 3 = 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में अगर पुनः हम 10 प्लस करते हैं तो 10 + 10 = 20 हो जाएगा। अब 20 में अगर हम 13 प्लस करते हैं, +13, तो 20 + 13 = 33। अब हम पुनः इस 33 में 16 प्लस करते हैं, 6 + 3 = 9 और 3 + 1 = 4। अब पुनः हम नेक्स्ट नंबर में अगर 19 प्लस करते हैं, 9 + 9 = 18, कैरी 1, 4 + 1 = 5 और 1 = 6। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि इस दो नंबरों का बीच डिफरेंस कितना है, यानी 7 में अगर हमने +3 किया तो 7 + 3 = 10 हो गया। फिर अगर इस 10 में हमने +3 किया तो 10 + 3 = 13 हो गया। पुनः हमने इस 13 में अगर हमने +3 किया तो 13 + 3 = 16। फिर नेक्स्ट हमने इसमें 3 किया तो 16 + 3 = 19। यानी हमें यह सीक्वेंस आ गया कि इसमें एक नंबर अपने जस्ट आगे वाले नंबर से 3 कम है, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आगे वाला जो नंबर है वो पीछे वाले नंबर से 3 ज़्यादा है। ठीक है, यानी अब 19 में हम 3 ऐड करेंगे तो 19 में अगर हमने 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 22। अब 8 में 2 को प्लस कीजिए, 10, 6 + 2 = 8 + 1 = 9, यानी हमारा नंबर क्या आ गया, 90। समझ में आ गया, तो हमारा ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन 90 क्या है, ऑप्शन सी। समझ में आ गया। हमें सीरीज के क्वेश्चन को हम 2 से 5 सेकंड में, 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं।
बस हमें यही फाइंड आउट करना है कि उसका सीक्वेंस क्या है। अगर हमने सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया तो क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, इस पूरे विश्व का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। बस डिपेंड करता है कि किसी क्वेश्चन को थोड़ा कम सोचे हम बना देते हैं और किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1, 2, 2, 4 और 8, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें से सीक्वेंस पूछ रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे बालको, ध्यान से हमें समझना है। अगर ये नंबर दिया हुआ है, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। हमने देखा 2 2 जा 4 हो रहा है, 4 2 जा 8 हो रहा है, ठीक है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 जा 2, तो यहाँ भी 2 2 जा होनी चाहिए, यानी ये दोनों सीक्वेंस में ये सीक्वेंस हमारा फिट नहीं बैठ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट को और इस थर्ड को लिया, यानी 1 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 जा 2, ठीक है। अगला हमने इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 4 जा 8। अब ऊपर का देखिए, इस नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, यानी नीचे हमें दो नंबर का सीक्वेंस क्या मिल रहा है, फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो देखिए यहाँ 4 है तो 4 × 4, यानी 4 4 जा 16, हमारा आंसर क्या आ गया, 16। हमें वैसे सीक्वेंस को लेके चलना है जिस सीक्वेंस में हमारे सारे पैटर्न अच्छे से बैठते हों। ठीक है, अगर हमें सीक्वेंस अच्छे से समझ में आ गया तो हमें क्वेश्चन को जस्ट वी टेक फ्यू सेकेंड एंड सोल्व इट्स। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन है, 22 है, 46 है और 94 है, और नेक्स्ट नंबर हमसे पूछ रहा है। हमें सबसे पहले जो सीक्वेंस दिया हुआ है, जो सीरीज दिया हुआ है, उसे हमें ध्यान से देखना है, और देखने के बाद हमें यह समझना है कि आखिर इसका पैटर्न क्या हो सकता है, यानी नेक्स्ट और प्रीवियस एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। हमने देखा कि अगर हम इस नंबर को डबल करें, 10 2 जा 20, उसमें 2 प्लस कर दे तो ये 22 आ रहा है। ठीक है, हमने 22 को अगर डबल किया, 22 2 जा 44, 44 में 2 प्लस किया तो 46, ठीक है, 46 है, 46 2 जा 92, 6 2 जा 12 का 2, 4 2 जा 8 प्लस 1
नाइन, यानी 92। 92 में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 94। यानी हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि अगर प्रीवियस को हम डबल करते हैं और इसमें 2 प्लस कर देते हैं तो यह 20 प्लस 2 यानी 22। अब दिया हुआ है 22 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 44 प्लस 2 यानी 46। नेक्स्ट है 46 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 92 प्लस 2 यानी 94। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है तो 94 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 प्लस 2, 119। यानी हमारा नेक्स्ट नंबर इस सीक्वेंस का क्या होगा, हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 190। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे कितने आए थे, 16। तो देखिए, हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम अगर उस सीक्वेंस को समझ लेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अगर और यह चीज़ बस एक ही चीज़ से डेवलप होती है, वो क्या है, मोर प्रैक्टिस, यानी मोर रिवीजन। बिना रिवीजन किए हमें संभव ही नहीं है कि हम क्वेश्चन को देखें और उसके कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो सीरीज का है यह हमारे नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।